दोस्तों नमस्कार। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा तिथि 2022 को लेकर आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं। दोस्तों आज आपको न्यू अपडेट मिलने वाला है। कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा तिथि दोस्तों कब तक आने वाली है और कब तक आपकी एग्जाम करवाई जा सकती है। और दोस्तों इसमें जो बीच में राजस्थान में बोर्ड्स एग्जाम फंसे हुए हैं, चलिए बड़ा अपडेट आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन कि आप भी राजस्थान के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस या कोई अन्य एग्जाम, आपके अपने सुभाष सारण से टीम दुरीना के साथ मिलकर लेके आए हैं आपके लिए एक बार फिर से भव्य फ्लैश सेल, जिसमें आप पा सकते हैं राजस्थान के सभी कोर्सेज सबसे कम कीमत पर। यह सेल दुरीना ऐप पर आज शाम 5 बजे से 10 बजे तक 5 घंटे के लिए लाइव रहेगी, जिसमें आप पा सकते हैं सबसे भारी डिस्काउंट। तो दोस्तों इस मौके का फायदा उठाने के लिए अभी दुरीना ऐप डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए बात आती है राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा तिथि की। काफी ज्यादा दोस्तों इसको लेकर विद्यार्थियों के मन में असमंजस है। तो दोस्तों एक तो देखिए यहां पे आपका फरवरी का महीना अब खत्म होने को ही है, लास्ट के दिन आपके चल रहे हैं और अभी तक एग्जाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन राजस्थान पुलिस ने जारी नहीं किया है। दोस्तों इसके अलावा मार्च में क्या शेड्यूल होने वाला है देख लीजिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का एक टाइम टेबल है इस साल की बोर्ड परीक्षाओं का, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए आपके मार्च में जो लास्ट में एग्जाम शुरू हो रहे हैं लास्ट वीक में, ये आपके अप्रैल लास्ट वीक में एग्जाम फिर खत्म होंगे, यानी एक महीने एग्जाम चलेंगे। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये कि क्या एग्जाम इनके बीच में जो छुट्टियां हैं, यहां पर देखिए ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ये अवकाश है, क्या इनमें राजस्थान पुलिस की एग्जाम करवाई जा सकती है। तो दोस्तों यहां पे देखिए जितने भी अवकाश आप देख रहे हो, दो एग्जाम्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा बस 2 दिन का अवकाश है, ठीक है। 2 दिन से ज्यादा कोई भी अवकाश नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की छुट्टी है दो एग्जाम्स के बीच में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं। और दोस्तों 2 दिन में राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है, इस बार फॉर्म ज्यादा है इसलिए एग्जाम कम से कम 3 दिन तक तो कम से कम चलने ही वाली है, ठीक है। डेली 2 पारियां भी होंगी तो 3 दिन तो एग्जाम कम से कम चलेगा पिछली बार की तरह। इसलिए दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम्स हैं इनके बीच में एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है। आपका एग्जाम कब होगी तो देखिए दोस्तों यहां पे एग्जाम है वो आपकी या तो 20 मार्च से पहले हो जाती है, ठीक है, या तो 20 मार्च से पहले एग्जाम हो जाए, वरना उसके बाद में जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके ये अप्रैल लास्ट में खत्म होंगे, फिर आपका एग्जाम 20 अप्रैल के या 25 अप्रैल के बाद में ही आयोजित करवाया जाएगा, यानी अप्रैल लास्ट वीक में फिर आपका एग्जाम जाएगा, या हो सकता है फिर तो अप्रैल में अगर ना हो तो उससे अगले महीने में मई के पहले वीक में भी एग्जाम आपका चला जाए, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मार्च के तो शुरुआत के 20 दिन अभी बचे हुए हैं, अब क्या इनमें देखिए एग्जाम हो सकता है, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा। दोस्तों 20 दिन एग्जाम के मान लो अगर बचे हों और अब तक भी नोटिफिकेशन ना आए, यह भी संभव नहीं लग रहा है, चाहे कितना भी जल्दी क्यों ना करो, लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस लगभग 20-25 दिन एक महीने पहले तो नोटिस एग्जाम का जारी करना ही था, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया, इसका मतलब आपका एग्जाम हो सकता है कि 20 मार्च से पहले ना हो। अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपका एग्जाम सीधा ही यहां पे अप्रैल लास्ट वीक में जाने वाला है, यानी आपको पूरे 2 महीने का समय अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए आज से और मिल जाएगा। मार्च और अप्रैल पूरे 2 महीने आपको और मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले 2 से 3 दिन में एग्जाम का नोटिस जारी होता है और क्या एग्जाम 20 मार्च से पहले करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों चांस अभी इसके कम ही लग रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय बाकी है, इतने कम समय में एग्जाम थोड़ा करवाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए आगे भी इससे जुड़ा जो अपडेट होगा तुरंत आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। जो फेक न्यूज वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो नोटिस वायरल हो रहे हैं कि एग्जाम 12 मार्च से है, 15 मार्च से है, उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। जो भी सही और सटीक न्यूज होती है सबसे पहले स्टेट जॉब लाइन पर आपको देखने को मिल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, साथ ही आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी बताना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।